गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज जो हम आपको सेशन देने जा रहे हैं वो बेस्ड है ज्योतिष शास्त्र पर। उम्मीद है इंट्रो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उम्मीद है आज के सेशन से वो बहुत कुछ सीखेंगे भी। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगा कि हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंट्रो गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज की वीडियोस देख रहे हैं और बहुत कुछ वहां से सीख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं मोनिका आपको। थैंक यू सर। मोनिका, आज मेरे साथ हरप्रीत कौर भी है, शी विल आल्सो बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरव्यू। मोनिका, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ज्योति, ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र, इससे आप क्या समझते हैं? सर, ज्योति का तीनों में काफ़ी डिफरेंस है। ज्योति का मतलब होता है प्रकाश और ज्योतिष का अर्थ होता है कि ज्योति पिंडों का अध्ययन करना। और ज्योतिष शास्त्र में हम ज्योति पिंडे उनकी गतिविधियों पर अध्ययन करते हैं। और ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा जाता है। अगर हमें वेदों को समझना है तो हमें ज्योतिष का काफ़ी नॉलेज होना चाहिए। और गीता में भी कहा गया है कि संसार एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएँ नीचे है और जड़ें ऊपर है। अगर हमें कुछ मांगना है तो हमें ऊपर से ही मांगना होगा, हमें नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा। और वही बात है जो मानव का जो मस्तिष्क है वो भी एक जड़ ही है। और सर उसी तरह ज्योतिष भी एक द ग्रेटर ब्रेटर है, जो इसे समझना और समझाना दोनों ही बहुत कठिन है। ओके, चलिए मुझे बता सकते हैं कि ज्योतिष के कितने स्तंभ हैं? सर इसके 3 स्तंभ हैं, मैं नाम भी बताना चाहूँगी, गणित, संहिता और फलित। ओके, तो आप ऐसा कीजिए हमें ये बताइए कि फलित ज्योतिष से आप क्या समझते हैं? सर भविष्य को जाने की जो विद्या होती है उसे फलित ज्योतिष में अध्ययन किया जाता है सर। ओके, क्या आप हमें बताएंगे मोनिका कि आपने ज्योतिष शास्त्र में अपना करियर क्यों बनाया? सर मैं एक ब्राह्मण घर लूँ तो मेरे बचपन से मेरे दादाजी को देखा जो काफ़ी बड़े ज्योतिष हैं जिनके दुनिया के बहुत से कॉर्नर से लोग उनकी अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए आते हैं। सो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इसीलिए सर मैं चाहती हूँ कि मेरे नॉलेज की वजह से अगर किसी की हेल्प होती है तो वो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। सो मैं इस करियर में जाना चाहती हूँ। वेरी नाइस। तो आज मैं बहुत से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और सबसे पहले आप मुझे बताइए कि चार्ट व्हील से आप क्या समझते हैं? सर चार्ट व्हील हमें जो बर्थ के समय जो प्लैनेट्स की पोजीशन है स्काई में वो दर्शाता है। ये 12 सेक्शन में होता है और जिसे हाउसेस कहते हैं सर। ओके ओके। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे क्यों विश्वास करूं तो क्या कोई रीजन दे सकते हैं आप? श्योर सर। सर एस्ट्रोलॉजी हमें 2 टाइप्स से हेल्प करती है, मैटेरियल वे से और स्पिरिचुअल वे से। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, मैं बताना चाहूँगी। मैटेरियल वे होता है जिसमें हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है और हमें कौन सा कार्य किस समय पर करना चाहिए वो दर्शाती है और हमें काफ़ी गाइड करती है सर। बिल्कुल, किस पर ट्रस्ट करना चाहिए किस पर नहीं करना चाहिए। श्योर। और व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल वे? सर स्पिरिचुअल वे में हम जो लाइफ का जो मिशन है उसे अंडरस्टैंड कराने में हेल्प करती है और हमारे गोल्स और सेल्फ रियलाइजेशन करवाती है सर। ओके, कि हमें अल्टीमेट हमारी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं। यस सर। दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा अब मुझे आप ये बताइए कि सन साइन और मून साइन, इसमें डिफरेंस क्या है? सर हमारे जन्म के समय राशि पर अगर जो हमारी राशि है उस पर अगर सूर्य बैठा होता तो सन साइन कहते हैं और अगर चंद्रमा बैठा हो तो उसे मून साइन कहते हैं सर। ओके, मान लीजिए चलिए किसी की लाइफलाइन बहुत छोटी है, इसका मतलब कि वो बहुत कम सर जिएगा? नो सर, ऐसा नहीं होता। अगर हमें किसी की लाइफ स्पैन पता करनी है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हार्ट लाइन को इम्पोर्टेंस देंगे। okay. उसके बाद हम उसकी जो लाइफ लाइन है और हेड लाइन है उसके बारे में चेक करेंगे। कभी कभी हमारी छोटी लाइफ लाइन इस वजह से भी हो सकती है कि उसमें मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम की कमी से भी हो सकती है सर। ओके, चलिए अब मुझे ये बताइए आप कि क्या एस्ट्रोलॉजी का साइंटिफिक प्रूफ दे सकते हैं आप हमें? सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि साइंस जो साइंस कहता है वो सही होता है हमेशा? ऐसा नहीं होता सर। गैलीलियो के आने से पहले साइंटिस्ट को ऐसे ही लगता था कि जो पृथ्वी है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है, लेकिन गैलीलियो के आने के बाद ये प्रूफ हो गया कि जो सूर्य है वो सेंटर में है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रखे। और एस्ट्रोलॉजी खुद में एक सुपर साइंस है सर। ओके, इसे सुपर साइंस कहा गया है। यस सर। चलिए बताइए फिर मुझे कौन कौन से प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में आते हैं? सर एस्ट्रोलॉजी में बहुत से प्लैनेट्स हैं, द सन, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, मार्स। ओके ओके, इनफ इनफ। चलिए व्हाट अबाउट अर्थ? अर्थ इज एस्ट्रोलॉजी इज अर्थ सेंट्रिक सर। ओके ओके, इसे अर्थ सेंट्रिक कहा गया है। यस सर। एस्ट्रोलॉजी का। ओके, क्या आप बर्थ चार्ट के बारे में जानते हैं? हाँ जी। बताइए। बर्थ चार्ट को हम नेटल चार्ट, होरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी चार्ट भी कहते हैं सर। बर्थ चार्ट में एक्यूरेसी के लिए हमें उस हमारे बर्थ के समय का समय, डेट और लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए सर। ओके ओके, इससे बर्थ चार्ट एक्यूरेट बनता है आपका। यस सर। दैट्स वेरी गुड। हरप्रीत कौर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? यस सर, प्लीज। थैंक यू सर। ओके मोनिका, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैम मेरी फैमिली में हम मेरे मॉम डैड और हम 2 सिस्टर्स हैं सर। ओके, और आपका भी ब्रदर?
नो मैम. ओके चलिए जी, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. ग्रह ग्रह है या देवता है, और ग्रहों और देवताओं में फर्क क्या है? सर ग्रह और देवता दोनों अलग अलग है. सर ग्रह की प्रकृति दर्शाने के लिए उन देवता के चरित्र के अनुसार उसका नाम रखा जाता है. ओके. जैसे मैं आपको एग्जांपल वर्ड बताना चाहूँगी, बृहस्पति. बृहस्पति ऋषि बृहस्पति के नाम पर रखा गया है. उनका गुरुवार उनका वार है. सर जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं सर. ओके ओके चलिए वेरी गुड. अब आप हमें ये बताइए कि क्या ग्रहों का मानव जीवन पर फर्क पड़ता है? हाँ जी बहुत पड़ता है सर. मैं बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक मानव पर नहीं पड़ता, पूरे संसार पर पड़ता है सर. okay. और सबसे ज़्यादा फर्क सूर्य का पड़ता है, उसके बाद चंद्रमा का, और कर्कश में बताना चाहूँगी इसका मंगल गुरु और बुध शनि का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है. और समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण भी जो चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्तियाँ वही कारण थी. और अमावस्या और पुण्यगमन का भी काफ़ी फर्क पड़ता है सर. मोनिका आप किस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन अभी तक कर चुके हैं ये हम जानना चाहेंगे. सर मैं बहुत सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुकी हूँ. जैसे मैं बताना चाहूँगी मैं बैचलर मैरिड और जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स है सबकी हेल्प कर सकती हूँ सर. ओके तो कभी कोई जो झगड़े वगैरह लोगों में हो जाते हैं, घरों में हो जाते हैं, तो क्या आप उन लोगों में भी थोड़ी हेल्प करते हैं कुछ ज्योतिष वगैरह देखकर? श्योर सर, श्योर सर. ओके ओके. और कुछ लोगों का बिजनेस वगैरह नहीं चलता है या फिर वो चलाना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो? हाँ जी सर, मैंने ऐसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हैं सर. दैट्स गुड. तो ये रियली में इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर यू कि आपको इतना नॉलेज हो चुका है ऑलरेडी. मोनिका आप जो लोगों की हेल्प करते हैं तो क्या आप अपने एरिया में ही करते हैं या कुछ और आपने सिस्टम बनाया हुआ है? सर नो, मैं इंडिया के हर कॉर्नर से जो लोग आते हैं उनकी परेशानी को सॉल्व किया है, और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सर. ओके ओके. मींस कोई आपको फोन करके भी अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेता है तो आप हेल्प करते हैं? यस सर. क्या कोई सा ग्रह खराब या अच्छा होता है? नो सर, ऐसा कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता. वो उसकी जो हमारी जो उसकी शक्तियों का जो प्रभाव को सहन करने की जो कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है. ओके. जैसे कि मैं एग्जांपल फॉर बताना चाहूँगी, जब मौसम चेंज होता है तो कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं और कुछ नहीं पड़ते. लेकिन क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना सहन कर सकते हैं. right. सर तो ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर ग्रहों का कितना प्रभाव पड़ता है, ये हमारी कैपेबिलिटीज पर है. यस सर. ओके ओके बहुत अच्छा बताया भाई आपने. अब आप मुझे ये बताइए कि भाई आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं अपने टाइम को लेकर पंचुअल हूँ, काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ, और फ्लेक्सिबल पर्सनैलिटी. और वीकनेस आपकी? सर वीकनेस है कि मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है, जिसमें ताकि अपने कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की काफ़ी वर्क कर रही हूँ. स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी ज्वाइन करके और सर एक्सेट्रा. आप इंग्लिश इसलिए सीखना चाहते हैं कि आपके जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं या ये कह लीजिए आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं आपसे पूछते रहते हैं, वो कई बार इंग्लिश में भी आपसे क्वेश्चंस पूछते होंगे. श्योर sure, सर. चलिए अब आप मुझे ये बताइए कि मान लीजिए यहाँ देखने वाले हमारे कोई व्यूअर्स के पास कोई क्वेश्चन है, उनको कोई समस्या है ग्रहों से रिलेटेड, तो यदि वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो क्या आप उनको रिप्लाई अच्छे से करेंगे? श्योर sure, सर. मैंने इस प्रोफेशन को चुना है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, और मैं उनको काफ़ी हेल्प करूंगी सर. ओके दैट्स वेरी गुड. चलिए बहुत अच्छा लगा हमें. मुझे ये बताइए मोनिका कि आपके जो भी परिवार वाले या आपके जो माता पिता हैं वो आपके बारे में क्या विचार रखते हैं? सर मेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी बताते हैं मेरे पेरेंट्स, और मेरे काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए, और हेल्पफुल और फ्रेंडली नेचर का बताते हैं सर. ओके दैट्स गुड. और आपकी हॉबीज? सर मेरी हॉबीज है बुक रीडिंग करना, ट्रैवलिंग करना और नए फ्रेंड्स बनाना सर. तो बुक्स आप किस तरीके की पढ़ते हैं? सर जो मोटिवेशनल जो होती हैं वही बुक्स पढ़ती हूँ सर. मैं हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी जो रिलेटेड बुक्स होती हैं वो ज़्यादा पढ़ती हूँ सर. ओके, ताकि आप अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें. यस सर. दैट्स रियली वेरी फाइन. चलिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बताना चाहूंगा कि संस्कृत रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको हमारे चैनल पर जरूर मिलेंगे, शायद आपके वो वीडियोज़ भी बहुत काम आए. पर इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा मोनिका के लिए कि मोनिका ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है. मोनिका किसी भी इंटरव्यू में एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपके नाम का मीनिंग क्या होता है, तो क्या आपने नाम का मीनिंग जानते हैं? हाँ जी सर. बताइए. सर मेरा नाम मोनिका है जिसका अर्थ होता है एडवाइज़र, और मैं अपने नाम के सिमिलर हूँ क्योंकि मैं मुझे लोगों को एडवाइस करना और मोटिवेट करता करना बहुत पसंद है सर. ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप मोटिवेट भी करते हैं. तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो परेशानी में आते हैं तो आप उन्हें ज्योतिष के बारे में तो बताते ही है, पर उसके साथ साथ आप उन्हें मोटिवेट करते हैं लाइफ में कि वो कैसे आगे बढ़े क्या करें. दैट्स वंडरफुल. तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड थैंकफुल फॉर द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप इट अप. ब्लेसिंग्स टू यू मोनिका. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.